नमस्कार, मैं रामजी प्रसाद, आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक लाइव। जहां एक तरफ पूरा विश्व कोरोना महामारी से जूझ रहा है, जिसमें लाखों लोगों की जानें चली गई है, तो वहीं बिहार की राजधानी पटना में आज करे योग रहे निरोग, लोगों को बीमारियों से बचाने के लिए पटना के पौस इलाके बोरिंग रोड में योगा सेंटर का उद्घाटन किया गया है। यहाँ पर प्रतिदिन सुबह में 5 बजे से यहाँ पर क्लास दी जाएगी और एक विशेषज्ञ के तौर पर यहाँ पर प्रशिक्षण तो भी यहाँ पर रखा गया है। आइए मैं वह वीडियो सुना जिसमें सारी बातें कही है। सर, योगा एक ऐसा चीज़ है जो हर इंसान कर सकता है। सर, जुम्बा हर कोई नहीं कर सकता, जिम हर कोई नहीं कर सकता, चाहे कोई भी फॉर्म ऑफ फिटनेस कोई भी हर इंसान नहीं कर सकता, लेकिन योगा एक ऐसा चीज़ है जो हर इंसान बच्चे से लेकर बूढ़े तक हर इंसान कर सकते हैं। और ये क्लास मैंने खोला है, इसका स्पेशलिटी है मेन मैंने रखा है हॉट योगा। हॉट योगा अभी तक पूरे पटना में एक भी नहीं खुला है और ये पहला क्लास है जिसमें क्या होता है कि आपका रूम टेम्परेचर 40 डिग्री के अराउंड रहेगा और उसके अंदर हम आपको स्पेशल 26 आसन होता है जो करवाएंगे, जिससे आपका डायबिटीज़, कोलेस्ट्रॉल, आपका ब्लड प्रेशर, बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन, ये एकदम पूर्ण रूप से ख़त्म हो जाता है सर, एकदम बैलेंस हो जाता है, ये चीज़ होता है सर। और बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी और हड्डी मजबूत होता है सर। जितना बॉडी आपका बोन्स फ्लेक्सिबल रहेगा सर, उतना ही आपका मजबूत रहेगा। क्या कुछ क्लासेस का क्या फीस रखी है, क्या डिस्काउंट दे रहे हैं, कुछ क्या कुछ है बताइए। क्लासेस और फीस अकॉर्डिंग टू क्या बोलूँ मैं, अभी तो कुछ डिसाइड नहीं किया है, बट जैसा होगा हाँ मिनिमम 3000 चार्ज यहाँ पर, जैसा हम देखेंगे लोग आएंगे हमसे जुड़ेंगे। पैसे की कोई बात नहीं है, मैं बस चाहता हूँ कि लोग स्वस्थ रहें और अच्छे रहें, ये मेरा मेन मोटिव है। देखिए, पैसा आता जाता रहता है, मगर जो आप किसी का बीमारी ठीक करते हो ना, तो उनसे जो दुआएं मिलती हैं वो बहुत ऊपर होती है, वो मेरा मानना है। मेरा नाम कुमार शानू हुआ। आइकन करके एक इंस्टीट्यूट खुला है। सबसे बड़ा चीज़ है कि आज के डेट में योगा एक ऐसी चीज़ है कि इंसान को हर क्रियाओं के लिए फिट बनाता है। कहा जाता है कि जो फिट है वो हिट है, जो योग करता है वो निरोग रहता है। आज के आधुनिक युग में भागम भाग की ज़िंदगी हर इंसान की हो गई है, सभी के पास समय नहीं मिल पाता है कि वो बाहर जाके कुछ फिजिकल खेल कूद से जुड़ सके, मॉर्निंग वॉक कर सके। बहुत सारे दिनचर्या ऐसे होते हैं जो घर में 10-11 बजे ऑफिस से आता है, अपनी दैनिक क्रियाओं से आता है। उस क्रियाओं के अलावा एक ही ऐसा साधन है जो हमारे सनातन संस्कृति के इतिहास के पन्ने से जुड़ा हुआ है, योग है, जिसको भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी भी इस योग को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाओं व हर जगह अपने संबोधन में करते हैं। योग भारत का ही देन है और हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ है, जिसे हम लोग सूर्य नमस्कार करते हैं, जो पूजा पाठ करते हैं, उठते बैठे योग का हिस्सा होता है। तो हर किसी व्यक्ति को समय निकाल कर अपनी दैनिक क्रियाओं में, जिस तरह से हम खाना खाते हैं हमारी क्रियाएं में जुड़ी हुई है कि बिना खाना के हम रह नहीं सकते हैं, उसी तरह अपने को स्वस्थ रहने के लिए, फिट रहने के लिए एक नित्य दिन एक समय निकाल के मॉर्निंग में योग करना चाहिए। तो योग करना चाहिए और योग हम करते हैं, अब पूरा हमें नॉलेज नहीं है इसके लिए, निश्चित तौर पर कहीं इंस्टीट्यूट ऐसे जो सिखलाया जाता है, बताया जाता है कि ऐसे विधि से आप कीजिए, तो वहाँ के लिए जो पटना में खोले हैं बोरिंग रोड चौराहा, जो पटना का बहुत महत्वपूर्ण जगह है और कहा जाता है कि डाक बागला बोरिंग रोड पटना का सबसे लोकप्रिय जगह है पूरे हिंदुस्तान में, तो यहाँ आसपास के लोग भी अच्छे रहने वाले हैं। तो यहाँ आके निश्चित तौर पर जब इनके इंस्टीट्यूट से आके जुड़ेंगे, योग करेंगे, तो मैं बता सकता हूँ कि उनकी आधी से ज़्यादा बीमारी जो होती है स्वस्थ रहेंगे, बीमारी इससे दूर भागेगा।